यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आखिर मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया गया है। साथ ही सरकार ने अपने एफिडेविट में साफ कह दिया है कि कश्यप से ना तो एनएसए हटेगा और न ही एफआईआर रद्द होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा था कि मनीष पर एनएसए क्यों लगाया गया। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और उसमें एक एक करके एनएसए लगाने की वजह बताई। सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर रद्द की जा सकती है और न ही एनएसए हटाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि एफिडेविट में ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी जिससे आपको यह साफ हो जाएगा कि उस पर एनएसए क्यों लगाया गया। तमिलनाडु सरकार की पहली दलील में कहा गया कि मनीष कश्यप ने झूठी खबरों के साथ वीडियो बनाए और उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। सरकार ने अपनी दूसरी दलील में कहा कि मनीष कश्यप ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल करके बनाया गया। फर्जी क्लिप इस्तेमाल कर बताया कि मजदूरों के साथ तमिलनाडु में मारपीट की जा रही है। उन्होंने अपनी तीसरी दलील में कहा कि मनीष कश्यप ने नफरत फैलाने के एजेंडे से तमिलनाडु के दौरे पर आया था और प्रवासियों और मजदूरों को अपने पक्ष में बयानबाजी करवाई, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने यह साफ कर दिया कि कश्यप के खिलाफ लगाया गया एनएसए न तो हटाया जाएगा और न ही कोई एफआईआर रद्द की जाएगी, क्योंकि कश्यप ने प्रवासियों को पीट पीट कर मार डालने का दावा करते हुए एक वीडियो में छेड़छाड़ की और गलत वीडियो दिखाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी।